टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए एकदम कमाल की तड़के वाली गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। हमेशा की तरह लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले। बड़ा ही मजा आने वाला है। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं भाई टेक्नो से। टेक्नो ने अपना टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 5G ये जो स्मार्टफोन है वो MWC में शोकेस कर दिया है। और ये जो स्मार्टफोन, इसके के कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो वे 6.42 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। जी हाँ, तो ये काफी अच्छी बात है। 7.85 इंच की इनर डिस्प्ले मिलेगी, वो भी AMOLED डिस्प्ले होगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। MediaTek Dimensity 9000 प्लस चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी। अगर कैमरे की बात करते हो तो 32 मेगापिक्सल का कवर कैमरा, 60 मेगापिक्सल सेल्फी इनर कैमरा देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल 30 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी, 45 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो ये काफी बेहतरीन दमदार स्पेक्स है। और ये जो स्मार्टफोन, इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो 12GB रैम, 256GB वाला जो स्टोरेज है उसकी कीमत है 89,999 रुपीज। और आप इसे फर्स्ट सेल में खरीदते हो तो ये आपको पड़ जाएगा 79,999 रुपीज में। तो ये काफी बेहतरीन बात है और ये मेरे हिसाब से सबसे चीपेस्ट फोन है। आप हमें ये बताए कि अगर टेक्नो का 80,000 रुपए के अंदर इस तरीके का बेहतरीन फ्लैगशिप कैटेगरी का एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है भारत में, तो क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? क्या सोच है आपकी इसके बारे में? नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। जी हाँ, बोल्ट ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच स्ट्राइकर स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया है भारत में। और ये स्मार्ट वॉच के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो 1.3 इंच के एक HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, IP67 रेटिंग दी गई है, तो काफी अच्छी बात है। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर दिया गया है, 7 डेज की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है और इसमें हमें 100 प्लस स्पॉट्स मोड, 150 प्लस स्मार्ट वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर दिया गया है। और ये जो स्मार्ट वॉच है, इसके अगर कुछ कीमत की बात की जाए तो अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस पे 1499 रुपए में भी आपको Amazon एंड बोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको जरूरत है तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ, Vivo ने अपने सबसे लेटेस्ट TWS Air को लॉन्च कर दिया है जी हाँ भारत में। और ये जो TWS के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो 14.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, AI नॉइस कैंसलिंग, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग दिया गया है और 25 आवर्स की बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है। और यही TWS की अगर कीमत की बात की जाए तो इसको भारत में लॉन्च किया गया 3999 रुपए में। अगर आप Vivo V27 सीरीज में से कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो ये जो TWS है जिसमें आपको 1000 रुपीज का ऑफ देखने को मिल जाएगा, यानी ये आपको पड़ जाएगा 2999 रुपीज में, तो काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ, रिलायंस ने अपनी जियो ट्रू 5G सर्विसेज को और दो जगह पर लॉन्च कर दिया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर। और यहाँ पे अगर आप रहते हो तो अभी आपको फिलहाल कोई रिचार्ज नहीं करवाना होगा, जियो की ट्रूली 5G सर्विसेज का बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाओगे, पूरी तरीके से अनलिमिटेड डेटा देखने को मिल जाएगा। और अगर आप फिलहाल यहाँ पे ही रहते हो और आप जियो की ट्रूली 5G सर्विस का बेनिफिट ऑलरेडी उठा रहे हो तो आपको जियो 5G की क्या स्पीड देखने को मिल जा रही है आपके स्मार्टफोन में, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। मोटा भाई की तरफ से खबर है ये। जी हाँ, मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का मोटो G73 ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मुकुल शर्मा, कहा जा रहा है कि मोटो G73 ये जो स्मार्टफोन है वो 10 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और इंडिया का फर्स्ट MediaTek Dimensity 930 चिपसेट हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और 13 5G बैंड भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है उसमें कुछ क्या और स्पेक्स निकल के सामने बाहर आती है और किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। जी, काम ग्रिल की बात करते हैं। अगर आपको चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन TWS, वो भी कम कीमत में और वो भी बेहतरीन ब्रांड के, तो ये जो डील है वो आपके लिए काम की होने वाली है। ओप्पो की तरफ से अगर ओप्पो के इनको TWS प्लस बहुत ही बेहतरीन कीमत में अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहे हैं। और यही TWS के अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो भाई IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी वाटर रेसिस्टेंट, डस्ट रेसिस्टेंट, तो ये काफी अच्छी बात है। 24 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, इसमें हमें Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, नॉइस कैंसिलेशन ड्यूरिंग कॉल्स देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और यही TWS के अगर कीमत की बात की जाए तो ये अभी आपको फिलहाल Amazon पर देखने को मिल जा रहे हैं सिर्फ 1699 रुपए में, काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हो तो भाई GTA 6, जी हाँ सही सुन रहे हो आप, ये गेम जो है भाई इसके लिए काफी ज्यादा लोग रुके हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर ये गेम होगी जब रिलीज होगी तब। और ये जो गेम है वो कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 तक लॉन्च की जा सकती है, यानी ऑलमोस्ट एक साल समझ लीजिए, एक साल के आसपास बचा हुआ है।
और ये जो गेम है वो पीसी, एक्सबॉक्स, PS4, PS5 यानी सभी जगह पे हमें देखने को मिल जाएगी, तो ये काफी अच्छी बात है। और आपने कभी ना कभी GTA गेम तो खेली होगी, तो आपने GTA की कौन सी गेम खेल रखी है नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक्नोसेट पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।